जिन्हें जन्म जन्म से पुकारा है, जिन्हें युगों युगों से निहारा है, जिन्हें जन्म जन्म से पुकारा है, जिन्हें युगों युगों से निहारा है, जो सबका सबसे प्यारा है, जिसे कहते तारण हारा है, वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। ज्योति बिंदु वो स्नेह सिंधु, दया का सागर करुणा करण, मुक्ति दाता वो भाग्य विधाता, दिव्य बुद्धि दाता जादूगर, त्रिलोकीनाथ वो त्रिनेत्री है, त्रिकाल दर्शी वो प्राणेश्वर, अजर अमर है वो अविनाशी, ज्योतिर्मय वो तारकेश्वर, पाप कटेश्वर ओंकारेश्वर, पाप कटेश्वर ओंकारेश्वर, परम पिता वो परमेश्वर, जो सबका सदा सहारा है, जो सबकी आंखों का तारा है, जो हर दिल का दुलारा है, जो सबसे न्यारा न्यारा है, वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। जीवन दाता है सुख करता, दुख हरता सब कार्यवर, विघ्न हरता वो सिद्धि दाता, वो है सच्चा सौदागर, निराकार वो है अभक्ता, बबुलनाथ वो त्रिवेकेश्वर, पशुपतिनाथ वो अमरनाथ है, सबका पिता वो है हरिहर, वो है खुदा, वो है अल्लाह, वो है खुदा, वो है अल्लाह, सृष्टि रचयिता रत्नागर, जिसने हर गम से उबारा है, वो प्यारा बाबा हमारा है, जो तेजोमय एक तारा है, जो स्वर्ग धरा पे उतारा है, वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। जिन्हें जन्म जन्म से पुकारा है, जिन्हें युगों युगों से निहारा है,
जिन जन्म जन्म से पुकारा है, जिन युगो युगो से निहारा है, जो सबका सबसे प्यारा है, जिसे कहते तारण हारा है, वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। वो भगवान आया है, मेरा बाबा आया है। मेरा बाबा आया है, मेरा बाबा आया है। चांद सितारों से
बड़ी दूर चले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है कोई गम नहीं हलचल खुशियों से भरपूर हो निकले बड़ी शान से खुशियों से भरपूर हो निकले आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं दूर चले आवाज की बड़ी सनोनी सी मधुर शांति है ये समझे जाने हमारा ही मन बड़ी सनोनी सी मधुर शांति है ये समझे जाने हमारा ही मन सभी शक्तियां अतींद्रिय सुख खजाने हमें मिले चले दूर कहीं दूर चले।
ओम शांति। आज हम ब्राह्मण स्वरूप का ऐसा अभ्यास करेंगे जो हमारे लिए पूरे संगम युग का यादगार बन जाएगा। आज से हमारे अंतःकरण में बार बार यही स्वर गूंजेगा, वहारे में ब्राह्मण आत्मा, वहारे मेरा भाग्य। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय माया रावण के साथ हमारा युद्ध चल रहा है, वो भी गुप्त रीति से, और इसका यादगार शास्त्रों में भी दिखाया गया है। जब श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ तो रावण अपनी मायावी शक्ति से अदृश्य हो जाता था और फिर वार करता था। यहां भी माया रावण अदृश्य है, जो गुप्त रीति से निरंतर हमारे ऊपर वार करता रहता है। लेकिन शुक्रिया प्यारे शिव बाबा का, जो सदा हमारा साथ देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए रावण को जीतना बहुत सहज कर दिया है। उसे मारने के लिए हमें एक अद्भुत शस्त्र दे दिया। जानते हो ना कौन सा शस्त्र? वह शस्त्र है स्वदर्शन चक्र, जिसको बुद्धि में फिराते रहने से माया रावण का गला कट जाता है। हमें सदा यह स्मृति रहनी चाहिए कि माया जीत बनने की यह विधि केवल मात्र इस संगम युग पर ही और सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चों को ही मिलती है। इस समय भगवान हमारा और हम भगवान के बन जाते हैं, दोनों एक साथ पार्ट बजाते हैं। कितना सुनहरा युग है ये। तो आइए इस खुशी और नशे के साथ शुरू करते हैं आज का योग अभ्यास। हमारा संगम युग का पुरुषार्थ भविष्य का दर्पण है। इस दर्पण में हम देख सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। स्वर्ग में हमें किस पद की प्राप्ति होगी और पूरा कल्प हमारा पार्ट कैसा चलेगा। यह संगम युग ही बीज बोने का समय है। इस समय का बोया गया बीज पूरा कल्प पौधा बनकर हमें फल देगा। अब ये पसंद हमारी है कि हमें कैसा फल चाहिए। अगर पूरा कल्प मीठे फल खाने हैं तो अभी श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोना होगा। कर्म बीज है, उन्हें पुरुषार्थ का खाद पानी देते रहना चाहिए।
ईश्वरीय महावाक्य हैं। योग युक्त होकर अगर कर्म करते रहो तो तुम्हारा हर कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा और फिर भविष्य भी निश्चित ही श्रेष्ठ होगा। शास्त्रों में जो गायन है कि 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, उस जन्म में अगर चाहे तो मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ किया जा सकता है। तो ये गायन हम ब्राह्मणों का ही है। वास्तव में 84 जन्मों के चक्र का यह अंतिम जन्म जो हमें संगम युग पर मिलता है, एकमात्र यही समय, यही जन्म मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने के लिए होता है। पुरुषोत्तम बनने अर्थात मनुष्य से देवता बनने के लिए होता है। यही वो समय है जब हम ईश्वर से 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य प्राप्त कर सकते हैं, सुख शांति का वर्षा ले सकते हैं। तो बार बार इस समय को और ब्राह्मण जन्म के महत्व को स्मृति में लाते रहें। आज स्वयं को यह पक्का करा दें, हे आत्मन, यह समय फिर नहीं आएगा। यही वो दुर्लभ जन्म है जिसका गायन साधु महात्मा सदियों से करते आए हैं। 4 युगों में 84 जन्मों का चक्कर लगाने के बाद यह दिन देखने को मिलते हैं। यह अनमोल घड़ियां फिर पूरा कल्प में हमें कभी नहीं मिलेंगी। जरा विचार तो करो, इस साकार सृष्टि में अपने स्थूल नेत्रों द्वारा, अपने अनादि और आदि पिता को हम देख पा रहे हैं।
अपने अलौकिक और पारलौकिक बाप के साथ हम पार्ट बजा रहे हैं। जिनकी क्षणिक झलक पाने के लिए साधु महात्माओं ने अनेक वर्षों तक तपस्या की है, और फिर हमने भी तो आधा कल्प उनको याद किया है, उनकी राह निहारी है, अब जबकि वो सम्मुख मिलन मनाने आ पहुंचे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? क्या एक पल भी उनसे दूर होना चाहिए? क्या यह कहना उचित होगा कि समय नहीं मिलता, या फिर यह कहना सही होगा कि बाबा आपको भूल जाते हैं? अपने दिल से पूछिए, सिवाय शिव बाबा के क्या कोई इतना प्यार कर सकता है? इतनी बड़ी प्राप्ति करा सकता है? उनके सिवा कोई और पावन बना सकता है? हमें सजाओं से छुड़ा सकता है? स्वर्ग का मालिक बना सकता है? नहीं ना। इतना समझते हुए भी, सब जानते हुए भी, अगर यह आंखें अब किसी और का सपना भी देखें, तो वह बहुत बड़ा पाप होगा। यह मुख किसी और की बातें करे, महिमा गाए, तो यह भी बहुत बड़ा धोखा होगा। अपने मन और बुद्धि को यह फरमान दे देना चाहिए
कि हे मन, सिवाय एक बाप के तुम्हें और कोई को याद करने की इजाजत नहीं है। पच्चीस सौ वर्ष तक जिसको इतना याद किया, इतना पुकारा, वह अब साकार में आया हुआ है। सर्व बंधनों से मुक्त होकर उसके बन जाओ, उसके साथ रहो, सदा उसके पास रहो। ऐसा ना हो हम यही कहते रहें कि समय नहीं मिलता, बहुत बिजी रहते हैं, और ऐसा कहते कहते इस संगम युग को ही गवा दें। सोच लो, अच्छी तरह से विचार कर लो, ऐसा ना हो जो बाद में कोई पछतावा रहे। और यह मेहमान वैसे भी ज्यादा समय ठहरने वाला नहीं है, और ये संगम युग का समय भी किसी के लिए भी रुकने वाला नहीं है। अब यह निर्णय तो हमें खुद ही करना है कि अपना अमूल्य समय किसे देना है और किसे नहीं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम उनकी याद और सेवा में
जो समय देते हैं उन पर कोई एहसान नहीं करते। हम तो अपना ही कल्याण करते हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ना, वह तो हमारे बिना भी संपूर्ण है और हम उनके बिना बिल्कुल ही अधूरे हैं। वो हमारे लिए ही आया है, हमें सुखी बनाने आया है। वह तो सदा से ही सुख का सागर है, शांति का दाता है। हम ही उनसे दूर होकर दुख के सागर में गोते खाते रहे। अब उसने हम पर दया की है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट करके हमें अपना बनाया है। हमें इतना श्रेष्ठ ये ब्राह्मण जन्म दिया। ईश्वरीय महावाक्य याद करें। बाबा ने कहा है, ब्राह्मण अर्थात जो बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो, विश्व कल्याणकारी और विश्व के आधार मूर्त हो। ये स्मृतियां ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। सदा स्मरण रहे, यह ब्राह्मण जन्म अति विशेष है, साधारण नहीं है। क्योंकि इस जन्म में ही उच्च से उच्च बाप के साथ हम पार्टधारी बने हैं। तो ऐसे उच्च पाठधारी का हर संकल्प, हर बोल और कर्म कितना विशेष होना चाहिए। ब्राह्मण अर्थात विधि विधाता और वरदाता। क्या हमें ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है? इस समय हम जो भी कर रहे हैं, हमारा हर कर्म यादगार बन रहा है। आने वाले संसार के लिए एक विधान बन रहा है। क्या इतना अटेंशन से हम हर कदम उठाते हैं? सदा स्मृति रहे कि सारे विश्व की नजर हम ब्राह्मण आत्माओं पर टिकी हुई है। अभी जो कर्म हम करेंगे वो विश्व के लिए एक नियम, एक विधान बन जाएगा।
सदा सदा के लिए यादगार बन जाएगा। हमारे स्थिति का असर इस सृष्टि पर पड़ता है। अगर हम संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, तो दुनिया भी प्रसन्न रहेगी। और यदि हम ही कभी कभी हलचल में आ जाएं, परेशान हो जाएं, तो ध्यान रखना, ये दुनिया भी हलचल में आ जाएगी। सोचो, विश्व के नवनिर्माण की इतनी बड़ी जिम्मेवारी हम ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर है। लेकिन यह भी याद रहे कि जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतने ही हम सदा हल्के, क्योंकि साथी कौन मिला है? स्वयं सर्वशक्तिमान। त्रिलोकीनाथ, ये भी सदा याद रहे, तो कभी भी कोई भी कर्म करते बोझ की महसूसता नहीं होगी। सदा लाइट की स्थिति में स्थित रहेंगे और दिल से यही निकलता रहेगा, वहारे मैं ब्राह्मण आत्मा, वहारे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह बाबा वाह। अगर चाहते हैं कि सारा दिन हमें अपने ब्राह्मण स्वरूप का रूहानी नशा चढ़ा रहे, हर परिस्थिति में हमारी स्थिति एक रस रहे, तो सदा अपने यह स्वमान याद रखें कि मैं ब्राह्मण आत्मा आदि देव की डायरेक्ट मुख रचना हूं। मैं देवताओं से भी उच्च हूं। पांच हजार वर्ष के इस सृष्टि चक्र में जिन ब्राह्मण आत्माओं का यादगार स्थान चोटी दिखाते हैं, मैं वो ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मैं संपन्न और संतुष्ट हूं। मेरे लिए ही ये गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में।
यह गायन देवताओं का नहीं है, मुझ ब्राह्मण आत्मा का है। स्वयं भाग्य विधाता भगवान भी हम मुख वंशावली ब्राह्मणों की रोज महिमा गाते हैं। इस संगम युग पर अनेक टाइटल्स और स्वमान देकर स्वयं भाग्य विधाता भगवान मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। वाह रे मेरा भाग्य जिसको स्वयं भगवान ऐसे श्रेष्ठ स्वमानों की सीट ऑफर करते हैं। यह ईश्वरीय महावाक्य हमें सदा याद रखने हैं कि बच्चे सदा अपने स्वमान की सीट पर सेट रहो। तो कभी अपसेट नहीं होंगे, हर पल खुशी और आनंद में रहेंगे। भाग्य विधाता की दी हुई सीट को कोई हिला नहीं सकता। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि देवताओं की महिमा भी तुम ब्राह्मण बच्चों के आगे कम है। क्यों? क्योंकि वो फिर भी दैवी कुल के हैं और हम अभी ईश्वरीय कुल के बने हैं। तो शिव बाबा का हम बच्चों प्रति यही डायरेक्शन है कि बच्चे आधा कल्प जो भूल भुलैया का खेल खेलते रहे हो, अब वह समाप्त कर दो। सदा याद रखो मैं कौन हूं, किसकी संतान बना हूं। अपने इस मर्जीवा ब्राह्मण जन्म के निजी संस्कारों को, इस जन्म की पहली स्मृति और पहले बोल को सदा याद रखो कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। ब्राह्मण माना ही स्मृति स्वरूप आत्मा, विस्मृति का पाठ अब खत्म हुआ। स्मृति स्वरूप अर्थात समर्थी स्वरूप, शक्तिशाली आत्मा, एकदम बाप समान। सदा इसी नशे में उड़ते रहें और सबको उड़ाते रहें।
से मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तेरे प्यार में ओ बाबा, तेरे प्यार राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। जीवन हमारा तुमने संवारा, तुमसे ही पाया हमने सहारा, अपना बनाए हमको, अपना बनाए हमको मुरली तेरी सुहानी, राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। संगम काया मौसम प्यारा, फिर खिल गया है गुलशन हमारा, हर फूल देके खुशबू, हर फूल देके खुशबू राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी। नैनों में अब तो स्वर्णिम नजारे, सुख भरा जीवन चमके सितारे, हमको बना रहे हो, हमको बना रहे हो अपने समाधानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें हमें रूहानी, तुमसे मिली है बाबा राहें।
फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा, फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा। जीवन सजाया हो स्वर्णिम तोहफा साथ मिलाया, दिव्य गुणों से जीवन सजाया। रोशन हुआ अपने भाग्य का सितारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा, संग झूमे संग संग खेले। ओ चारों तरफ है खुशियों के मेले, संग संग झूमे संग संग खेले। योग से सबने अपना जीवन सवारा। फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा, फिर आ गया प्यारा बाबा हमारा।